हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं स्टोरी का पार्ट वन। पापा जी पापा जी, आपसे कुछ पूछूं? हाँ मेरी प्यारी सी राजकुमारी, पूछो। आप रोज रात में इतनी देर से क्यों आते हो? मैं और नेहा दोनों सो जाते हैं। हम दोनों बहनों का बड़ा मन होता है हम भी पूजा और सीनू की तरह अपने पापा के साथ खेलें। 6 वर्षीय निशा ने अपने पापा मानस से पूछा, बिटिया मन तो मेरा भी करता है आप दोनों के साथ खेलने का, मगर क्या करूं, मजबूरी ऐसी है कि। मजबूरी? कैसी मजबूरी पापा जी? 5 वर्षीय नेहा भी मानस के गले लगकर बड़े प्यार से बोली, अच्छा तो आपको भी जानना है बेटा, मेरी फैक्ट्री हमारे घर से बहुत दूर है, वहाँ से पैदल आता हूँ ना। तो पापा जी आप एक साइकिल ले लो ना सीनू के पापा की तरह, वो ट्रिन ट्रिन करते हुए आते हैं। अच्छा मेरी बेटी, ले लूँगा जब पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। जाओ अब तुम दोनों जाकर खेलो। निशा नेहा चलो अपने पापा को सोने दो, बेटा आज रविवार का ही तो दिन मिलता है उन्हें, चलो शाबाश बाहर खेलो, मनीषा दोनों बेटियों से बोली। दोनों मुंह बनाते हुए बाहर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में निशा बाहर आई, दोनों को उदास देखकर बोली, क्या हुआ तुम दोनों यहाँ क्यों बैठी हो, खेल लो। नहीं मम्मी, पहले ये बताओ पापा के पास साइकिल क्यों नहीं है। बेटा वो। मम्मी प्लीज़ सच सच बताओ ना, नेहा बोली। नेहा तुम्हारे पापा के पास एक साइकिल तो थी मगर एक बार चोरी हो गई थी, तो पापा दूसरी क्यों नहीं ले लेते मम्मी, इस बार निशा बोली। बेटा हमारे हालात ऐसे नहीं है बेटा, वहाँ गांव में तुम्हारे दादाजी दादी जी बुआ जी और यहाँ हम, हमारे लिए खान पान घर खर्च तुम दोनों की पढ़ाई घर का किराया इन सब में कुछ बचता भी तो नहीं, इसलिए तो मैं भी समय निकालकर सिलाई करती हूँ लोगों के कपड़ों की। ओह, दोनों एक साथ बोली। मनीषा के अंदर जाते ही दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यार नेहा, इसका मतलब पापा के पास पैसे नहीं बचते इसीलिए वो अपनी फैक्ट्री पैदल आते जाते हैं। हाँ दीदी, इसीलिए ही वो देरी से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। यार नेहा कुछ सोचना पड़ेगा, निशा बोली। क्या, हम तो छोटे हैं बच्चे दीदी, नेहा बोली। तुझे याद है पापा रोज हमें जेब खर्च के लिए मम्मी को 5-5 रुपए देकर जाते हैं, जो हम दोनों अक्सर अपनी ड्रेस के लिए गुल्लक में जोड़ती रहती हैं। हाँ दीदी, तो हम अपनी गुल्लक तोड़कर देखते हैं, कहते हुए निशा के चेहरे पर चमक आ गई। अरे वाह दीदी, चलो, नेहा बोली। आराम से पापा सो रहे हैं और मम्मी को बताएंगे, मगर बाद में, चल अभी, कहकर निशा ने नेहा का हाथ थामे हुए चल पड़ी। दोनों ने चुपचाप अपनी गुल्लक तोड़ दी। सारे सिक्के और रुपये गिनने के बाद कुल 700 रुपये निकले। पैसे गिनने के बाद दोनों निराश हो गई। यार नेहा, इतने में साइकिल नहीं आएगी, मैंने सानू की मम्मी को कहते हुए सुना था पूरे 1000 रुपये की आई है उनकी साइकिल। तो दीदी अब क्या करें, नेहा उदास होते हुए बोली। चल मम्मी से पूछते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। दोनों ने मनीषा को जाकर पूरी बात बताई तो वह भी रो पड़ी। दोनों बच्चियों को गले लगाकर वह बोली, कितनी प्यारी कितनी मासूम सोच है तुम्हारी, रुको मैं भी कुछ ढूंढती हूँ, कहकर मनीषा चावलों और दालों के डिब्बों को टटोलने लगी। दोस्तों यह तो था कहानी का पार्ट वन, कहानी का पार्ट टू भी जल्द आएगा, प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।